पिछला साल खेती नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हुआ, तो इस बार हम लोग ये पानी पटा कर खेती करें। ये हमारा तालाब और पीछे हमारा खेत, यहाँ से एक दो खेत हमारा है और पीछे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वो पीछे देख रहे हैं आप, जहाँ पे बाइक खड़ी हुई, वहाँ से जितने भी आप देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे फैमिली लोग, तो वहाँ से जितने भी नीचे आप देख रहे हैं, वो जो ट्रैक्टर चल रहा है वहाँ तक मेरा खेत है। तो वहाँ तक हमारा खेती कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हमारा बचा था ये वाला खेत, वो हो रहा है अभी खेती। पानी के माध्यम से पानी पटा रहे हैं और बरसात भी पड़ रही है मौसम के साथ। शायद आप नोटिस कर सकते हैं कि बरसात भी चालू हो गई है। हालत कुछ इस तरह से है, बरसात के मौसम में भीग के खेती कर रहे हैं हम लोग। सावन के मौसम में बरसात नहीं हुई, बट अभी लास्ट सावन में बरसात हो रही है, तो खेती भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही इंजॉय आ रहा है। मैं एक्चुअली 4-5 दिनों की छुट्टी पर आ रहा हूँ। फोन तो बहुत ज़्यादा आ रहा है कंपनी कर क्या सकते, ये भी जरूरी है। साल भर का हम लोग का प्रॉब्लम है, ये खेती करने के बाद हम लोग साल भर आराम से बैठ के खाते हैं, बहुत कुछ सेल करने के बाद, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। नुकसान तो हो रहा है मेरा भी, अब क्या करें देखना पड़ेगा। सारे फैमिली लोग मेरे लगे हुए, क्योंकि पिछला साल खेती ना होने के कारण बहुत परेशानियों का झेलना पड़ा हम लोगों को, इसी कारण से लगभग पानी हो चुका है इसमें एक घंटे के बाद। थोड़ी देर पहले बरसात हो रही थी, आपने जैसे देखा, मगर इधर खेत में भी पानी हो गया और इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी हो गया। तो अब इंतज़ार है, ट्रैक्टर वाले को कॉल कर दिया गया है, अब आ ही रहा है वो। पहले तकरीबन 14 अगस्त को दो चार घंटे के लिए पानी, उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पानी था, सारे खेत टूट गए। 14 तारीख से पहले उम्मीद नहीं थी कि खेती होगी, लेकिन पानी पड़ा तो उम्मीद हो गया। उम्मीद होने के बाद सारे खेत, सारे लोग अपने जो दूसरे काम थे वो सब कुछ छोड़ के सारे खेती में लग गए। मैं भी छुट्टी ले